Hi guys, I am Jyoti and welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So आपको टाइटल से पता चल गया होगा, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ Amazon Fashion haul. आज की वीडियो में आपको कुछ टॉप्स देखने को मिलेंगे एंड कुछ बॉटम वेयर्स, स्पेशली फॉर कॉलेज गोइंग गर्ल्स, बिकॉज बहुत ही सिंपल से टॉप्स हैं एंड सुपर अफोर्डेबल. कभी कभी क्या होता है ना, बहुत सारे कॉलेजेस में क्रॉप टॉप्स अलाउड नहीं होते हैं, देन रिटन टी शर्ट्स अलाउड नहीं होते हैं. लाइक मैं जहाँ पर पढ़ती थी वहाँ पर रिटन टी शर्ट्स अलाउड नहीं थे एंड आई स्टिल रिमेंबर दैट डे. मैंने रिटन टी शर्ट पहना हुआ था और मुझे बहुत डांट पड़ी थी. खैर अभी इस बात को बहुत टाइम हो गया है. मैं बेसिकली बस आपको इतना बताना चाहती हूँ कि आज आपको बहुत ही सिंपल से टॉप्स देखने को मिलेंगे जो कि आप इजीली कॉलेज में वेयर कर सकते हो. बट गाइज, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, मुझे बहुत खुशी होगी. नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद द हॉल. Okay, so this is the first top from the brand named Miss Chase and I'm the size S. Okay, तो ये कुछ ऐसा टॉप है. आपको ये थोड़ा यूनिफॉर्म जैसा लग सकता है बट पहनने के बाद बहुत ही स्मार्ट लगता है. मुझे पर्सनली इस टाइप के टॉप्स बहुत पसंद है. सो यहाँ पे आपको कॉलर नेक मिलता है, देन आपको फुल स्लीव्स मिलते हैं, ये आप देख सकते हो. एंड इसका जो फैब्रिक है वो कॉटन है, सो ये वेयर करने में बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है. एंड बैक में आपको हुक क्लोजर मिलता है. एंड वीडियो में मैंने इसे थोड़ा फोल्ड किया हुआ है बट आप जैसे मन वैसे इसे स्टाइल कर सकते हो और ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है. सो अगर आपको ये पसंद है तो आप इसे खरीद सकते हो. ये Amazon, Myntra दोनों में अवेलेबल है. आप प्राइस कंपेयर कर लेना, जहाँ भी कम हो वहाँ से ले लेना. मैंने इसे Amazon से परचेज़ किया था. नाउ मैं आपको नेक्स्ट टॉप दिखाती हूँ. ओके, नाउ दिस इज़ माई सेकेंड परचेजिंग. ब्रांड का नाम है हरपा एंड इसमें मैं साइज़ स्मॉल है बट ये मुझे थोड़ा सा टाइट हो रहा है टमी के पास, बेली फैट्स की वजह से. बाय द वे ये टॉप मुझे बहुत अच्छा लगा. कलर बहुत ही प्यारा सा है, कलर बहुत अच्छा लगता है. मुझे लगता है कि येलो कलर मुझे सूट करता है, इसे मुझे बहुत पसंद आया. एंड इसमें आपको, आप देख सकते हो, आपको फ्लोरल प्रिंट्स मिलते हैं, देन आपको राउंड नेक मिलता है एंड बैक में आपको बटन क्लोजर मिलता है. फिलहाल ये देखो ये निकल गया है, स्टिचिंग खुल गया है, इसे मुझे स्टिच करना पड़ेगा. एंड कुछ इस तरीके स्लीव्स आपको मिलते हैं. पहनने के बाद बहुत ही प्यारा लगता है. बस हल्का सा मुझे टाइट हो रहा है टमी के पास बट कोई नहीं, मैं मैनेज कर लूँगी. अगर मैंने मीडियम साइज़ लिया ना तो वो मुझे काफ़ी लूज़ होगा, सो मैं इसी में मैनेज कर लूँगी. और लेंथ की बात करें तो लेंथ इसका नॉर्मल है. मैंने वीडियो में इसे भी हल्का फोल्ड किया हुआ है, आप जैसे मन वैसे स्टाइल कर सकते हो. एंड ये भी Myntra, Amazon दोनों जगह अवेलेबल है. आपको जहाँ अच्छा लगे वहाँ से परचेजिंग कर सकते हो. क्वालिटी वाइज ये काफ़ी अच्छा है एंड वेयर करने में अच्छा तो लगता ही है. ओके, सो दिस इज़ माई थर्ड परचेजिंग. आज की वीडियो का सबसे सस्ता टॉप, इसे मैंने आई थिंक 200 समथिंग में लिया था. उस अकॉर्डिंग ये मुझे बहुत अच्छा लगा, लुक वाइज भी एंड क्वालिटी वाइज भी. सो ये बहुत ही सिंपल सा टॉप है, ये आप देख सकते हो. पर मैं ना अभी इसका रफ एंड टफ यूज़ कर रही हूँ, हर जगह इसे पहन के जा रही हूँ, इसलिए आप देख सकते हो इसकी हालत थोड़ी सी बुरी है. जैसे इग्नोर है. सो इसमें आपको राउंड नेक मिलता है कुछ ऐसा, देन कुछ इस तरीके का स्लीव आपको मिलता है. स्लीव में डोर लगा हुआ है. बहुत ही सिंपल सा टॉप है बट स्लीव की वजह से ना इस टॉप को एक डिफरेंट लुक मिलता है जो कि बहुत अच्छा लगता है. एंड इसका जो फैब्रिक है वो सिंथेटिक है, हल्का सा यू नो ये स्ट्रेच होता है, वेयर करने में कंफर्टेबल है. एंड इसमें मेरा साइज स्मॉल है. वैसे ये किसी ब्रांड का नहीं है, इसमें ब्रांड मेंशन नहीं है, बस साइज मेंशन किया गया है. बाकी अच्छा है, क्वालिटी वाइज ये काफ़ी अच्छा है. एंड वीडियो में मैंने इसे फोल्ड किया हुआ है, आप जैसे मन वैसे इसे स्टाइल कर सकते हो, टक भी कर सकते हो, अदरवाइज बिना टक किए भी इसे पहन सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा. और हाँ, इसमें आपको बहुत सारे कलर ऑप्शंस भी मिल जाएंगे. मैंने ब्लैक कलर पिक किया है एंड इसमें बहुत सारे ट्रेंडी कलर्स भी अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हो. ओके, नाउ दिस इज़ माई नेक्स्ट परचेजिंग. बहुत ही प्यारा सा टॉप है, इसमें भी आपको कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे. आई थिंक ये ब्लैक एंड पीच में भी अवेलेबल है. मैंने मस्टर्ड येलो कलर लिया बिकॉज ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है और पहनने के बाद बहुत अच्छा लगता है. सो आप देख सकते हो इसमें आपको राउंड नेक मिलता है. एंड इस टॉप में ना आपको लेस वर्क भी देखने को मिलेगा जैसा कि आप देख पा रहे होगे. एंड बैक में ये आप देख सकते हो बटन क्लोजर है, देन कुछ ऐसा स्लीव आपको इसमें मिलता है. अब मुझे पता नहीं है इस तरीके स्लीव को क्या बोलते हैं बट मुझे इसका स्लीव काफ़ी अच्छा लगा, यूनिक लगा. देन यहाँ पे आप देख सकते हो स्लीव में भी बटन्स लगे हुए हैं. बाकी लुक वाइज ये टॉप काफ़ी अच्छा है एंड क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छा है. और हाँ, एक बात और, ये जो टॉप है ना ऊपर में, मतलब यहाँ पे ट्रांसपेरेंट है जैसा कि आप देख पा रहे होगे. देन यहाँ से लाइनिंग दी गई है. सो ओवरऑल जो इसका लुक आता है ना पहनने के बाद वो बहुत अच्छा आता है. तो अगर आपको ये पसंद है देन गो फॉर इट। एंड वन मोर थिंग, इसमें भी साइज स्मॉल है एंड ब्रांड का नाम है मैरी क्लेयर। ओके, एंड प्राइस की बात करें तो ये मैंने 500 समथिंग में लिया था। ये भी मिंत्रा में भी अवेलेबल है बट वहाँ पे प्राइस काफ़ी ज़्यादा है। ओके, सो दिस इज़ माय नेक्स्ट परचेजिंग। इट्स अ पेप्लम टॉप। आज से पहले मैंने कभी भी पेप्लम टॉप ट्राई नहीं किया था, ये मैंने फर्स्ट टाइम लिया। मतलब कई लोगों को पेप्लम टॉप पसंद नहीं होता है, सो मैं भी सोच रही थी पता नहीं मैं लूँ या नहीं लूँ, पता नहीं मेरे पर कैसा लगेगा, पर ये मुझे बहुत अच्छा लगा। पहनने के बाद मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। कलर बहुत प्रीटी सा है, ये आप देख सकते हो, इंग्लिश पिंक एंड कुछ ऐसा ही ये टॉप। ब्रांड का नाम है जुबिनो एंड इसमें साइज है स्मॉल। सो इसमें आपको कुछ ऐसा नेक मिलता है, देन कुछ इस तरीके का स्लीव मिलता है आपको। एंड इसका जो फैब्रिक है सिंथेटिक है, हल्का सा यू नो जो बाहर से रफ होता है, ये आप देख सकते हो कुछ ऐसा मटेरियल है, बट अंदर से ये काफ़ी सॉफ्ट है, वेयर करने में कंफर्टेबल है, ठीक है। सो अगर आपको पेप्लम टॉप्स लेना पसंद है, पहनना पसंद है, देन गो फॉर इट, बिकॉज ये काफ़ी अफोर्डेबल है। आई थिंक 450 रुपीज़ में मैंने इसे लिया था। और हाँ, इसमें भी आपको बहुत सारे कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे, ट्रेंडी कलर्स अवेलेबल है। इवन आपको बहुत सारे प्रिंट्स में भी ये मिल जाएगा, बट प्रिंट वाले का फैब्रिक अलग होगा। आई थिंक रेयॉन फैब्रिक में मैंने मंगवाया था बट मैंने उसे रिटर्न कर दिया बिकॉज वो मुझे काफ़ी लूज़ हो रहा था, पर ये वाला मैंने रखा बिकॉज इसका फिट मुझे अच्छा लगा। ऑलराइट, सो मेरे पास जितने भी टॉप्स थे वो सब मैंने आपको दिखा दिए। इसके अलावा मेरे पास 2 जीन्स है दिखाने को। एंड पहला जो जीन्स है वो मुझे इतना पसंद है कि मैं आपको बता नहीं सकती। इट्स अ बूट कट जीन्स जो कि अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है एंड मैंने बहुत सर्च किया, फाइनली मुझे अमेजोन में मिला और ट्रस्ट मी वो मुझे बहुत पसंद आया। एंड ये आप देख सकते हो, मैं इस जीन्स की बात कर रही हूँ, ये फ्रंट से आप देख सकते हो। मेरे पास ये वाले ब्लू में एक भी जीन्स नहीं था, तो पर्सनली मुझे इसका कलर बहुत अच्छा लगा। एंड ब्रांड का नाम है AK चिक एंड इसे मेरा साइज है 30 और ये मुझे एकदम परफेक्टली फिट आ रहा है। इस ब्रांड के और भी जीन्स हैं मेरे पास जो कि मुझे बहुत पसंद है बिकॉज कंफर्टेबल होते हैं इसके जीन्स वेयर करने में एंड एट द सेम टाइम बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाता है। आई थिंक मैंने इसे 800 समथिंग में लिया था और प्राइस के अकॉर्डिंग ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, ठीक है। द ओनली थिंग इज़ ये मुझे थोड़ा लंबा हो रहा था, मेरी हाइट है 5'4" सो मुझे नीचे से थोड़ा कट करवाना पड़ा एंड कट करवाने के बाद ही मुझे पूरा परफेक्ट आ रहा था। अगर आप बूट कट जीन्स देख रहे हो देन गो फॉर इट बिकॉज ये हर मामले में बहुत अच्छा है, क्वालिटी वाइज भी, फिट वाइज भी, लुक वाइज भी एंड प्राइस वाइज भी, सब कुछ बहुत अच्छा है, मतलब ओवरऑल बहुत अच्छा है। देन इसके अलावा मैंने सेम ब्रांड में मतलब AK चिक का ही वाइट स्लिम फिट जीन्स लिया है। ये कुछ ऐसा है, ये आप देख सकते हो। ये मुझे ना हल्का लूज़ हो रहा है बट मुझे पता है अगर मैंने एक साइज छोटा लिया ना तो वो शायद मुझे टाइट हो, इसलिए मैंने साइज़ 30 लिया है। एंड क्वालिटी वाइज ये काफ़ी अच्छा है, बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है। अगर आपको वाइट जीन्स चाहिए देन जस्ट गो फॉर इट बिकॉज ये ब्रांड काफ़ी अच्छा है, मैं आपको रेकमेंड करूँ। ओके, सो दैट्स इट गाइस, ये था आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है देन आपको पता ही क्या करना है, हिट द लाइक बटन एंड चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। अगर चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लेना। एंड आपको कोई भी टॉप या फिर बॉटम वगैरह पसंद आए तो उसे खरीद सकते हो। परचेज लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट। एंड या दैट्स इट, सी यू सुपर सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।